चलिए आज देखते हैं 8 तारीख का परफॉर्मेंस क्या रहा बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमें उड़ाव का सिग्नल मिला था। उड़ाव का सिग्नल मिलने के बाद मार्केट इसका विद बफर स्टॉप लॉस हमने लगाया था। विद बफर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। ओके, तो मार्केट में आज मोमेंटम नहीं था ज़्यादा, तो इस कारण सी के जो प्रीमियम है उसमें हमें ज़्यादा गेन नहीं मिला। लेकिन जो मिनिमम हमारा 50 पॉइंट का जो टारगेट रहता है स्पॉट एट द मनी ऑप्शन के अंदर, वो हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, बाद में हमारा दूसरा जो ट्रेड है वो हमारा एक्टिव हो गया, ये जो गिराव मिला था वहाँ पे। तो ये दूसरा ट्रेड गिराव, इसका भी हमारा मिनिमम 50 पॉइंट्स कैप्चर कर दिया ऑप्शन के अंदर और स्लो स्लो एंड स्टडी नीचे। अगर आपने देखा तो स्लो एंड स्टडी ये नीचे गिराव से आपका नीचे। अभी कल के लिए क्या है, कल के लिए इसका टारगेट पेंडिंग है नीचे साइड का। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी नीचे वाले टारगेट कल दे सकता है। वैसे हम निफ्टी का देखेंगे तो जैसे 5 तारीख के वीडियो में मैंने बोला था फ्राइडे के दिन के कि निफ्टी के हायर साइड के टारगेट पेंडिंग थे, तो आज इसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ओपन है 8 तारीख है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही उसने हायर साइड के जो हमारे टारगेट पेंडिंग थे फ्राइडे के दिन के, वो आज मंडे के दिन इसने दे दिया। मंडे के दिन देने के बाद इसमें आज हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया 20 पॉइंट का गिराव के ऊपर, इस गिराव वाला स्टॉप लॉस गया था। बाकी गिराव पे काम नहीं करना है, ये हम आपको कोर्स में सिखाते हैं जो हमारा रियल एसटीआर 330 का पूरा कोर्स है। ओके, उसमें हमारा काम नहीं होता था। यहाँ पे पहला गिराव का सिग्नल मिला, उसका हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया। बाद में हमारा एक गिराव का सिग्नल मिला 1 बजे के आसपास, ये जो गिराव का सिग्नल मिला इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस वहाँ पे गया था उसका ये प्रॉफिट मिल गया। यानी आज निफ्टी में नो लॉस नो प्रॉफिट और बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट, आज ये था परफॉर्मेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।